नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में जो वाईफाई लगा है, फिर कहीं पर भी आपने वाईफाई अगर कनेक्ट किया है, तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि यार ये जो वाईफाई से मुझे डाटा मिल रहा है, जो अभी जिस स्पीड से आ रहा है मेरे को डाटा मिल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, अगर आप स्पीड चेक करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से आप स्पीड कैसे चेक कर सकते हो किसी भी वाईफाई से, आपको सिर्फ सिंपली उसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन से। सो अगर आपने कनेक्ट कर लिया है तो आज के इस वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप वाईफाई की स्पीड कैसे चेक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो कि आप अपने वाईफाई की स्पीड कैसे चेक कर सकते हो, कौन सा एप्लीकेशन कैसे करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप वाईफाई की स्पीड कैसे पता कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहीं से इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना। तो जैसे इसे ओपन करोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और आपको सबसे पहले तो वाईफाई कनेक्ट कर लेना अपने फ़ोन से, और उसके बाद यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गो के ऊपर टैप कर देते हो, उसके बाद कनेक्टिंग लिख के आएगा, और फिर यहाँ पर आपको स्पीड दिखा देगा कि आपकी अभी इस समय रियल टाइम पर कितनी स्पीड आ रही है। तो ये आप देख सकते हो, जो अभी मेरी स्पीड दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, और इसमें जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब अभी इस समय जो आती है वो यहाँ पे स्पीड देता है। अगर हम 1 घंटे बाद या फिर थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो वो स्पीड जो कि फिर आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है कि आप वाईफाई की स्पीड पता कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम से इसका जो कि अपलोडिंग स्पीड बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आप देखोगे पिंक वाली लाइन है कितनी ऊपर गई है इससे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, जैसे कि अभी मेरी 36 अब डाउनलोडिंग स्पीड है, अपलोडिंग 50 Mbps है। तो क्योंकि मुझे अपलोडिंग ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने अपलोडिंग वाला ज़्यादा, मतलब अपलोडिंग पे ज़्यादा ही ध्यान दिया था कि मुझे वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, तो इसलिए अपलोडिंग वाली स्पीड मेरी हाई है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।